हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो बारिश में वही रेगुलर सब्जियां बना के खाकर बोर हो गए हैं, तो आज की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। हालांकि ये सभी लोग बनाते हैं, पर सबका बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने आज सफेद मटर भिगो के रखी थी, जो सूखी मटर आती है ना, वो एक कटोरी भिगो के रखी थी लगभग 2 घंटे पहले। और अगर आप जल्दी में भिगोना चाहते हैं ना, तो अच्छे गर्म पानी में भिगो दीजिए, तो 1 घंटे में भी बढ़िया से फूल जाती है। और इतनी भीगनी चाहिए ना कि हाथों के बीच में, उंगलियों के बीच में प्रेस किया ना तो वो टूट गई, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया। अब इसमें एक नॉर्मल साइज का, मीडियम साइज का आलू छील के मैंने डाल दिया है। साथ में हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार डाल देंगे, और पानी भी थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है। लगभग लेवल इसका ना आधा इंच ऊपर होना चाहिए पानी का, बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। सभी चीजों को मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा के इसको गैस के ऊपर रखेंगे, और एक विसल तेज आंच पे लेंगे और 2 विसल धीमी आंच पे लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये गल जाती है। और यहाँ पर सीटियाँ मैंने ले ली थी, साथ में स्टीम पूरी निकल चुकी है। ढक्कन को खोलेंगे और देखिए, चेक करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से उबल चुकी है, चेक करने से देख पा रहे हैं आप। और ये बहुत अच्छे तरीके से मटर मैश हो रही है उंगलियों के बीच में दबाने से, मतलब बहुत बढ़िया कुक हो चुकी है। और आलू को भी यहीं पे फोड़ लेंगे, तो ये एक अच्छा तरीका होता है। अगर पहले से उबला हुआ आलू नहीं है तो इस तरीके से इसको फोड़ा जा सकता है। और बस इसको एक साइड में रखेंगे, तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज, आधा इंच अदरक और 6 से 7 कलियां लहसुन की मैंने साफ करके रखी हैं। इसको एक चॉपर में डालेंगे, साथ में 2 हरी मिर्च मैंने डाली है, पर ये मिर्च ना मोटी वाली है, बहुत ज्यादा तीखी नहीं है। अगर तीखी मिर्च डाल रहे हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको मैंने क्रश कर लिया है, ये बहुत अच्छा सा बिल्कुल बढ़िया तरीके से चॉप हो चुका है मसाला। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, पर पीसिएगा नहीं। पीस के अगर बनाएंगे ना प्याज को, तो सब्जी का टेक्सचर बिल्कुल अलग हो जाएगा, इवन टेस्ट भी अलग हो जाता है। साथ में 3 टमाटर मैंने ले लिए हैं, इनको महीन पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो टमाटर पीस के डालिएगा, पर लहसुन अदरक प्याज को चॉप करके या ग्रेट करके डालिएगा। हर तरह से सब्जी, मतलब अगर मसाला अलग अलग तरीके से बनाया जाए ना, तो सब्जी का स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा मसाला नहीं पीसना है, सिर्फ टमाटर को पीसना है। और अभी कढ़ाई चढ़ाई मैंने, इसमें 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे, और साथ ही साथ में इसमें कुछ खड़े मसाले हमको ऐड करने हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़े से खड़े मसाले डालने से ना इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यूजुअली इस मटर की ना चाट बनती है, पर इस तरीके से सब्जी बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर तेज पत्ता लिया है मैंने, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, साथ ही साथ में एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का लिया है। आप चाहे तो इसमें लौंग, काली मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मैंने ये नॉर्मल थोड़े से ही खड़े मसाले लिए हैं। साथ में अब तेल गर्म होने पे 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, साथ में खड़े मसाले भी डाल देंगे। तो खड़े मसाले जब तेल में भूनते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब सभी चीज़ें तड़क चुकी, तब इसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन का मसाला डाल दिया है। और इसको अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब एक बहुत बढ़िया सा रायता बनाते हैं, स्वाद को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। थाली के तो मैंने दही लिया है, तो जितना रायता बनाना चाहते हैं उतना आप दही ले सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर ली है लगभग आधा कप बूंदी। तो बूंदी ये मेरे मार्केट की है ना, तो इसमें कई बार क्या होता है, पुराना पैकेट होता है, मतलब भले ही अपन डेट देख के लेके आते हैं, लेकिन कई बार ना उसमें टेस्ट उतरा उतरा सा रहता है तेल के कारण, पुराना तेल होने के कारण। तो मैं इसको ना हमेशा गर्म पानी से वॉश कर लेती हूँ इस बूंदी को, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। इससे ना बहुत एकदम फ्रेश सी हो जाती है ये बूंदी। और इसको फिर मैंने दही में डाल दिया है, और अब इसमें कुछ मसाले मैं ऐड करूंगी, जिसमें कि सबसे पहले इसमें डालने वाली हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1/2 टीस्पून काला नमक। साथ ही साथ में कुछ पुदीना के पत्ते इसमें कट करके डाल देंगे। तो ये एक्चुअली रायता बनकर तैयार हो चुका है, इसको मिक्स करेंगे और ये बूंदी का रायता बन चुका है। पर मैं इसमें बाद में एक तड़का भी लगाऊंगी, जिससे कि इसका टेस्ट ना बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तब तक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्याज का मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च और कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने 3/4 चम्मच डाला है। थोड़ी सी हल्दी डाली, क्योंकि मटर उबलने में हमने हल्दी पहले ही डाल दी थी। और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। तो धीमी आँच पे इसको लगभग 1 मिनट के लिए मैंने भून लिया। और अब इसमें टमाटर की प्यूरी मैंने ऐड कर देनी है, जो हमने पीस के रखा है। तो इसमें ना थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा जाता है, तो अगले मैंने 3 डाले हैं, लेकिन अगर आप 2 डालेंगे ना, तो थोड़ा सा दही ज़रूर डालिएगा। अब मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने मटर उबलने में भी डाला है। तो टमाटर की प्यूरी जब तक पकती है,
अब तक एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, प्याज को इस तरीके से पतला पतला लच्छों में कट कर लेंगे। तो इसके बल्ब वाला हिस्से को जरूर काट के निकालिएगा, तभी ये लच्छे अच्छे से अलग अलग होंगे। तो इन लच्छों को अच्छे से हम खोल लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से खुल जाते हैं जब उसका बल्ब वाला पोर्शन को हम कट करके निकाल देते हैं तो। और इसको कट कर लिया है, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो वो बाद में ऐड करेंगे, उसके पहले इसमें एक तड़का लगा लेते हैं। तो गरम तेल में मैंने मस्टर्ड सीड्स, जीरा, साथ में हींग, साबुत लाल मिर्च और करी पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से तड़का लिया है। गरम गरम बघार मैंने रायते के ऊपर लगा दिया है, ढक देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अंदर रहें। लगभग एक मिनट के बाद खोला या 30-40 सेकंड्स के बाद खोला और सारे बघार को फिर से मिक्स कर दिया। ये हमारा शानदार तड़के वाला रायता बनकर तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी लगता है, इसके खाने का स्वाद ना बहुत बढ़ जाता है। तो रायता हमारा तैयार है, इसको एक साइड में रखेंगे। तब तक मसाला भी अच्छे से भून चुका है, देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। जो हमने टमाटर की ग्रेवी डालने के बाद मसाले को भूनना शुरू किया था, बहुत अच्छा ड्राई हो चुका है। और इसमें अब कुछ चीज़ें और मिलाएंगे। तो इसमें आधा चम्मच मैंने काला नमक मिलाया है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस मटर की सब्जी में। कसूरी मेथी लगभग 1 टीस्पून, साथ ही साथ में गरम मसाला 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद फिर से एक बार मिक्स करेंगे और अब इसमें हम सारे मटर और आलू को डाल देंगे। पर ये काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा है, तो मैंने एक पैन में पानी गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। तो इस गर्म पानी को इसमें कुकर में हिलाते हुए डाल देंगे। तो अब जब लास्ट में पानी ऐड करें ना, उसको गर्म ही ऐड करिएगा, तभी सब्जी का जो टेस्ट है ना वो मेंटेन रहेगा। वरना अगर एकदम ठंडा पानी डालेंगे ना, तो कई बार टेस्ट में थोड़ा सा गड़बड़ाहट आ जाती है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और देख पा रहे हैं आप कितना शानदार कलर आया है, बहुत बढ़िया कलर आया है सब्जी का। और अभी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो मैंने इसमें पानी लगभग आधा कप और डाल दिया है। फिर से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ना ढक कर पकने देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक, या लगभग 4 मिनट तक मैंने इसको पकने दिया है बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि सारे फ्लेवर्स मटर में अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। अब इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्च मैंने मिलाई है, साथ ही साथ में काला नमक थोड़ा सा डालेंगे और जीरा पाउडर थोड़ा सा डालेंगे और साथ ही साथ में चाट मसाला थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। तो ये हमारा एक सैलेड बन रहा है, बहुत बढ़िया स्पाइसी तीखा वाला सैलेड, साथ में कटी हुई धनिया पत्ती और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे। तो मेरे पास नींबू के रस की जगह में ना, नींबू के रस को मैं क्यूब्स में जमा के रखती हूँ, तो वो मैंने एक क्यूब ऐड कर दी है। और ये गाइस ये सलाद बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। स्पेशली ये मटर या फिर छोले या राजमा, इनके साथ में ये प्याज वाला सलाद बनाया जाए ना, तो गजब का स्वाद आता है। तो ये हमारा सैलेड रेडी हो गया है। मैंने इसको एंड में इसलिए मिक्स किया है क्योंकि नमक मिलाने से ना सारी चीज़ें पानी छोड़ देती हैं, इसलिए मैंने इसको एंड में बनाया है। और बस यहाँ पर 4-5 मिनट होने के बाद मैंने ढक्कन, माफ़ कीजिएगा, गैस को बंद कर दिया था। अब यहाँ पर ढक्कन खोला और ये हमारी शानदार आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, धनिया पत्ती से इसकी गार्निशिंग की। देख पा रहे हैं क्या गजब का कलर आया है और स्वाद तो गाइस बहुत टेस्टी है। आप बनाएंगे तभी जान पाएंगे कि इस तरीके से बहुत टेस्टी लगती है ये मटर की सब्जी। आप इसकी ना चाट भी बना सकते हैं, इसको गाढ़ा गाढ़ा बनाएंगे ना, ऊपर से फिर इसमें प्याज और चटनियाँ डालेंगे, तो ये चाट भी बन सकती है मटर की। पर इसको ना रोटी के साथ में खाइए, तब भी बहुत टेस्टी लगती है मटर की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी, रायता और सैलेड सर्व किया, साथ में एक पापड़ और गर्मा गर्म रोटियाँ। तो ये है मेरा मन को संतुष्टि और सुकून देने वाला आज का लंच, बहुत ही टेस्टी बना है गाइज। तो अब इसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ कि बहुत टेस्टी बना है, पर आप इसको बनाकर जरूर देखिएगा इस तरीके से, आपको भी उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और गाइज अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।